नॉनस्टॉप एंटरटेनमेंट के लिए सब्सक्राइब करें शिमारू चैनल्स। तो गोया आप अपने घर अपने लिए सौतन खुद ले आई। नहीं सौतन नहीं, राधा मेरे लिए सीता की तरह है। आप शायद ये भूल गए कि लंका से लौटने के बाद सीता पर क्या बीती। एक मामूली से धोबी ने सीता पर अपवित्रता का इल्जाम लगाया। बात समझने की कोशिश कीजिए मिसेस श्याम, वो मामूली धोबी नहीं था बल्कि उस धोबी के रूप में पूरे समाज ने वो इल्जाम लगाया था। और रामायण के राम ने समाज की मर्यादा को रखने के लिए जीवन भर के लिए सीता को त्याग दिया था। ऐसे महान लोगों के त्याग ही ने समाज के उसूलों की बुनियाद को मजबूत बना रखा है। वो जमाना और था मेहरा साहब। ठीक है, यकीनन वो जमाना और था, लेकिन आज मैं आपसे पूछता हूं कि आप अपने पति श्याम के होते हुए किसी दूसरे मर्द को अपना पति मान सकती हैं? बोलिए, खामोश क्यों हैं? नहीं मान सकती ना। इसीलिए मैं कहता हूं मिसेस श्याम कि समाज चाहे कितना ही पुराना क्यों ना हो, उसके उसूलों की इज्जत हम आज भी करते हैं। मैं कानून नहीं जानती, बस आखिरी बार यही कहना चाहती हूँ, अपनी जिद की चक्की में मेरी बेटी दीपंती को मत पीसिए, उसकी मोहब्बत की इज्जत कीजिए। आप बार बार मुझसे एक ही बात मनवाना चाहती हैं कि मैं आपकी सौतन की बेटी को अपनी बहू बना लूं। मुझे इसी समाज में जिंदा रहना है मिसेस श्याम, ये दुनिया वाले क्या कहेंगे? यही ना कि मुझे अपने बेटे के लिए कोई अच्छे खानदान की बेटी नहीं मिली, इसलिए मैंने किसी रखेल की बेटी से उसकी शादी कर दी। आपके मन में समाज की इज्जत हो या ना हो, मेरे मन में है, और आप मेरे लिए समाज से बड़ी नहीं। इस समंदर ही को लीजिए, इतना बड़ा होने के बावजूद इसने कभी अपनी मर्यादा नहीं तोड़ी, इसीलिए लोग समंदर की पूजा करते हैं। समंदर की पूजा तो सब करते हैं मेहरा साहब, लेकिन उसका पानी कोई नहीं पीता। हर बड़े छोटे में कुछ ना कुछ कमी तो होती ही है। ठीक कहती हैं आप, लेकिन गंदे खून की बोतलें तो अस्पताल से भी फेंक दी जाती हैं, और आप एक रखेल की औलाद के खून को मेरे बेटे की नसों में चढ़ाकर मेरे खानदान के खून को गंदा करना चाहती हैं। नो, थैंक यू मिसेस श्याम, बेहतर होगा कि आप यहां से तशरीफ ले जाएं। श्याम, बैरिस्टर मेहरा और ये दुनिया वाले मंजूर करें या ना करें, मैं राधा बाबी को हमेशा तुम्हारी पत्नी और डॉली को तुम्हारी बेटी मानूंगा, सौतन की बेटी। लेकिन वो मासूम समाज के हाथों सौतन की बेटी कहलाने की सजा तो भुगत रही है। मैं जानता हूं मेरे यार, उसका दुख तेरे दिल में एक जख्म बन गया है। वैसे डॉक्टर तो तू है, लेकिन तेरे इस जख्म का इलाज मैं करूंगा। वो देख क्या रहा है यार, डॉली तेरी बेटी नहीं, मेरी भी बेटी है। मैं उसके सर पे इज्जत का ताज पहनूंगा, उसकी शादी मेरे बेटे राजा से करवाऊंगा। नरेन, क्या कह रहा है तू? मैं दोस्ती को दुनिया का सबसे बड़ा रिश्ता मानता हूं, मेरी तरफ से रिश्ता पक्का, तू बोल। मेरे लिए इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है? लेकिन यार, वो डॉली है ना, वो उस लड़के के साथ पढ़ती है, उसके साथ कहीं। मैं समझ गया, सब समझ गया। दो तरह के फूलों को एक साथ रख दिया जाए तो एक की खुशबू दूसरे में समा जाती है। स्कूल कॉलेज में ऐसे प्यार व्यार होते रहते हैं, भूल जाए इन बातों को। हिंदुस्तानी लड़कियों की यही तो एक खासियत होती है, जिसे शादी करती हैं जिंदगी भर उसे प्यार भी करती है। चल शाम कल ही सगाई की रस्म पूरी करते हैं। कल? शुभ काम में देर किस बात की यार। नवीन, तूने दोस्ती को इज्जत का ताज बना दिया मेरे यार। कितनी अच्छी बात है कि नरेन ने हम सबको इतनी बड़ी इज्जत दी। मेरा साहब ने जो हमारा अपमान किया, उसका जवाब हम नरेन की बात मानकर दे सकते हैं। कुछ सुन रही है तू? ऐसा क्या है अमित में जो तू उसे भूल नहीं सकती? तू जिस मम्मी की पूजा करती है, तेरी इसी मम्मी की मेरा साहब ने बेइज्जती की है, क्या तुझे ये मंजूर है? मुझे मंजूर तो नहीं है मम्मी, लेकिन लेकिन क्या तू अपने प्यार में इतनी अंधी हो गई है
कि तू अपने माँ बाप पर उछाले गए कीचड़ के दाग भी नहीं देख सकती। देख डॉली, तू हमारे दागों को भूल जा। अब सवाल तेरी जिंदगी का है। माना कि प्यार बहुत बड़ी सौगात है, लेकिन जो सौगात अपमान और बदनामी से मिले वो किस काम की? डॉली, मैंने तेरे पापा से शादी से पहले प्यार नहीं किया था, पर तू ही बता हमारे प्यार में किस बात की कमी है? हाँ, सिर्फ तुम्हारा दिल ही कांच का नहीं बना जो टूट जाएगा। अगर इसी तरह हमारे दिल पर भी अपमान के पत्थर बरसते रहे तो ये भी टूट जाएंगे एक दिन। कैसे दिन का इंतजार है तुझे? अब आप लोग यही ठीक समझते हैं तो मुझे आपका फैसला मंजूर है। मैं अमित को भूलने की कोशिश करूंगी। मम्मी, मैं अमित को भूलने की कोशिश करूंगी। हाय राजा। हाय अमित, वेलकम वेलकम। मुबारक हो राजा, एंगेजमेंट हो गई। यार अभी तक तो पंडित ही नहीं आया। अच्छा, तेरी होने वाली का चांद सा मुखड़ा तो देखें। अरे तू देखेगा तो जल जाएगा। ओ, ये बात है। अच्छा चल देखते हैं। दिपेंती, मैंने कहा था ना बेटा जल जाएगा। जल गया ना? अभी तो चुप क्यों हो गया? जल के तो लोग दर्द के मारे चीखते हैं और तू चुप हो गया? देख अमित, आज इस खुशी के मौके पर चुप नहीं रहना। कुछ बोल यार, कुछ सुना। कम ऑन यार, कम ऑन, कम ऑन यार। डॉली, 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 क्या हुआ? डॉली, डॉली क्या हुआ? लगता है डॉली को चक्कर आ गया। क्या हुआ डॉली को? डॉली को क्या हुआ? डॉली मां बनने वाली है। क्या? जल्दी जल्दी किया फैसला, गलत भी हो सकता है। रुक्मणी, मैं एक डॉक्टर हूं, फिर एक बाप और उसके साथ साथ एक दोस्त भी। एक दोस्त होते हुए मैं एक दोस्त को धोखा नहीं दे सकता। मैंने तो दोस्ती के सर पे रिश्तेदारी का सहरा बांधा था और तूने और तेरे खानदान ने तेरी बेटी का पाप मुझसे छुपाया। एक दोस्त के एतबार को तो इससे बड़ा धोखा और क्या दे सकता था? देख नरेन, तू मेरी दोस्ती को गलत मत समझ। क्या कहा? गलत ना समझू डॉक्टर साहब, ये तो मेरी शराफत थी जो मैंने एक सौतन की बेटी को अपनी बहू बनाना मंजूर किया।